सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग और स्वागत है आपका मेरे एक और नए एपिसोड में। और आज हम फिर से एक बार खेलने जा रहे हैं इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 2। और आप सबको याद होगा कि पिछले वाले एपिसोड में हमने अपना घर था उसको अपग्रेड करा था, और अपग्रेड करने मतलब यार डिज़ाइन ही चेंज करा था इसका। बाकी हाँ, अब देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और ये खाली पड़ा था, बट अब मुझे पता चला भाई फ्रिज के अंदर सामान भी रखना होता है। मतलब मुझे लगा भाई इन्होंने खाली फ्रिज दिया है तो ठीक है, बट इसे हम खा पी नहीं सकते, तो अभी इसका खाने पीने का भी देखना पड़ेगा। और मैंने देखो अपनी शॉप से थोड़ा बहुत पैसा कमाया है, मतलब अच्छा खासा पैसा कमाया है, जिससे कि मैं और भी अपना काम बढ़ा सकता हूँ। दो मिनट अपनी वाइफ को बोल देता हूँ, भाई देख यहाँ मैं फ्रिज में खाना रख के जा रहा हूँ, आके खा लेगी। तो ठीक है, उसके लिए हमने खाना खुना रख दिया है, क्योंकि यार देखो वो भी तो भूखी रहती होगी पूरा दिन से। तो चलो ठीक है, अभी मैं चलता हूँ जल्दी से अपने शॉप पर चलें। कि अभी मेरे को, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ी बहुत माइनिंग कर लूँ, क्योंकि तुम्हें पता है माइनिंग से थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, पैसा मिलेगा तो अपनी शॉप को भी अपग्रेड कर पाएंगे। और हाँ, अभी बैगर से भी बातचीत करनी है। तो चलो ठीक है, अभी के लिए यहाँ मौसम तो काफ़ी ज़्यादा साफ हो रखा है, तुम सब देख ही रहोगे। तो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं हम और चलते हैं इस पर, देखते हैं कुछ नवा सामान आया है या नहीं। तो अभी तो छोड़ो, चलो अभी निकलते हैं। यहाँ पे नवा सामान है उसके पास, बट अभी नहीं लेके जाऊँगा। और यहाँ हॉर्स रेसिस भी बची थी और बैगर मिल गया। रुको दो मिनट, मैं इससे बात करता हूँ। और यहाँ पे हेलो, ठीक है, ये अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी को करने के लिए कह रहा है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बार बार गिर जाती है, तो उसको अब ये गिरेगी नहीं, मतलब ऑफ नहीं होगी, ऑटोमेटिकली ऑन ही रहेगी। तो ठीक है, इतना काम बन चुका है। हाँ, जो वाइट टैंक वाला बंदा था उसको मार दिया था, मतलब यार थोड़े पैसे भी तो कमाने थे मैंने, तो थोड़ी मेरे को गेम प्ले करनी पड़ी, थोड़ी क्या यार छाद आई। तो ठीक है, अभी अपनी शॉप बंद करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास 4000 कुछ डॉलर पड़े हैं, मतलब $5000 के अराउंड। तो अभी ना मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम चलते हैं उस वाली शॉप पे, मतलब सेकंड हैंड शॉप पे, और यहाँ पे टाइम बचा हुआ है, दो मिनट एक हॉर्स पे पैसे लगा लूँ क्या। ग्रीन वाले पे लगाते हैं, चलो ठीक है, आज देखते हैं हमारा गुड लक है या बैड लक। बाकी अगर हमारा ग्रीन वाला हॉर्स जीतता है तो मेरे को पता नहीं कितने पैसे देंगे, बट तुम्हें पता होगा तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो ठीक है, अभी इसके पास भी सामान तो पड़ा है, मेरे को बैकपैक चाहिए। और ये 3000 का है, ये 400, ये $1000 वाला, ठीक है भाई अभी, क्योंकि मैं 3000 का अगर लूँगा ना बैकपैक, तो सही में मेरे पास 3000 या $2000 के अराउंड ही बचेंगे, और मैं ख़रीद क्या पाऊँगा भाई, अभी काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है ना। तो चलो ठीक है, अभी ना मैं चलता हूँ, यहाँ हमारी माइनिंग की दुकान आ चुकी है, मतलब माइनिंग स्टॉप की बोल रहा हूँ स्टोर। तो यहाँ से हम माइनर्स खरीदते हैं काफ़ी सारे, और ठीक है इन्हें खरीद तो लिया, इन्हें मैं ना बैकपैक में रखता हूँ, उसको मैं सीधा ना उस बॉक्स में ही लगा लूँगा, जो ये साथ के ग्राफिक कार्ड और टेबल है ना माइनर वाले, तो उसको ना मैं ग्राफिक उसमें टेबल में ही लगा दूंगा, इससे ये होगा कि हम हाथ में सारे के सारे माइनर उठा के ले जाएंगे। तो चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मेरे पास थोड़े बहुत ही पैसे बचे हैं, और उसको ख़रीदने के लिए मेरे को पैसे चाहिए, और जो ग्राफिक कार्ड वाला काम है तो उसके लिए यार पैसों चाहिए, तो उसको भी देखेंगे हम। बाकी यहाँ पे आ चुका हूँ, अपने ग्राफिक कार्ड लगाता हूँ यहाँ पे, अभी मैंने तो माइनर से भी डाउनलोड नहीं करे। तो ठीक है, अभी इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ये हो गया, इधर दो ये हो चुके हैं, अभी मैं तीसरा भी निकालता हूँ, इसको भी लगाते हैं हम यहाँ। तो ठीक है, फाइनली डन, तीन हमारे लग चुके हैं अच्छी तरह, बट इन्हें ऑन करना है, इनके लिए मेरे को दो मिनट माइनर। भाई ये क्या है, मैंने ना झाड़ू को ऐसे ही रखा हुआ क्लीनर को, कि ना मैं वहाँ से जा ही नहीं पा रहा हूँ। बाकी ठीक है, और हाँ हम थोड़े बहुत अपडेट दिखाना भूल गया था यार मैं तुम्हें, कि भाई हमारे डेस्क है, मतलब हमारा जो एक पूरा सेटअप है ना हमारा खुद का, वो भी अपग्रेड हो सकता है, तो उससे भी हम बाद में अपग्रेड करेंगे। यहाँ पे ठीक है, बिल विल आया है, थोड़ा मोटा ही आया है, ज़्यादा बिल नहीं आया, तो उसे देखते हैं। बाकी यहाँ ऐप्स में डाउनलोड कर लूँ, भाई माइनर्स अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं माइनर्स को डाउनलोड करता हूँ। वॉर ठीक है, वायरस एम्प्लॉय बहुत कुछ आ रखा है इधर पे, मतलब वही पहले वाली चीज़ें। तो चलो ठीक है, अभी यहाँ काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, अपनी शॉप को मैं बंद करता हूँ और चलता हूँ हॉर्स रेस को देखने के लिए, कि हमने ग्रीन वाले भाई हॉर्स पे पैसे लगाए थे। दो मिनट, हमारा ग्रीन वाला हॉर्स अभी पहले नंबर पे है, और यहाँ पे भाई ब्लैक वाला हॉर्स आगे काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है यार ब्लैक वाला। तो ठीक है, अभी ग्रीन वाला यार हमारा वाला घोड़ा तो भाई तीन नंबर पर हो चुका है इस टाइम, मतलब यहाँ तीन पे दिखाया गया था तो वो तीन पे ही चलेगा क्या भाई साहब। यहाँ तो हमारे साथ भाई मतलब पैसे लगाए, मेरे को लग रहा है डूब ही जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले नंबर पे वो ब्लैक हॉर्स चल रहा है, जिसके कारण मेरा हॉर्स तो भाई फोर्थ नंबर पे है, मतलब इतना ज़्यादा गंदा। भाई मैंने इतने $100 इस पर रंग देख के नहीं लगाए, मैंने सोचा सही में अच्छा भागेगा, और तीन नंबर पर अब आया। ठीक है, सहसे धीरे धीरे कर धीरे धीरे क्या यार, मैंने सोचा धीरे धीरे करके आएगा, पर तब तक तो फिनिश लाइन आ गई। भाई इसका घोटाला तो नहीं है कोई,
बट ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं हम। अब भाई हम ये वाली रेस तो हार चुके हैं, और हाँ 7 मिनट बाद दोबारा ये रेस होगी, तो चलो ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते। और हमारा माइनिंग वाला काम जो ऐप है माइनर्स का, वो डाउनलोड हो चुका होगा, चलो उसे देखते हैं पहले हम। और यहाँ पे भाई साहब में यार गेम हो चुकी है हमारे साथ, मतलब कि यार हमारा हॉर्स था वो हार गया। मुझे लगा नहीं था यार हमारा हॉर्स हारेगा, बट भाई इतनी बुरी तरह हारा ना सही में। तो यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा इस बार आसान है हमारा जो कोड है ना इस बार, ठीक है बहुत ज़्यादा आसान है, 4SYSEE, ठीक है काफ़ी ज़्यादा आसान है इस बार। तो मैं ना जल्दी से चलता हूँ, अपनी शॉप को भी ओपन करना है यार, मैंने शॉप भी नहीं ओपन करी अभी तक। तो ठीक है यहाँ पे पहले मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है डन। यहाँ पे लिखते हैं 4SYSEE था, हाँ ठीक है ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ, टाइप करता हूँ अपने, इसको एक्टिवेट करते हैं, और ठीक है डन। अब इस हिसाब से सारे ही एक्टिवेट हो चुके होंगे अपनी बारी, तो यहाँ पे मेरे को बस यहाँ पे एक्टिवेट ही करने हैं वर्किंग में। तो डन, ये भी वर्किंग में हो चुका है, ठीक है भाई तीनों के तीनों चल चुके हैं। अब इनसे ही थोड़ा बहुत पैसा कमाना पड़ेगा मुझे, और पैसा कमाने के बाद भाई तुम्हें पता ही है कि सामान अपना अपग्रेड करना है। पिछली बार तो हमने काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर चुके थे, पर हाँ थोड़ा बहुत रह ही गया था यार अपग्रेड। तो अभी के लिए मैं इसको बंद, ये तो ठीक है। क्रिप्टो देखूं क्या मैं यहाँ पे, क्रिप्टो चल तो चुका है हमारा, स्पीड 275 के अराउंड दे रहा है अभी, और जहाँ तक है कि भाई थोड़ा बहुत पैसा हम कमा ही पाएंगे। तो ठीक है अभी ना मेरे को कस्टमर्स का वेट करना है, और भाई उनको मतलब यार उनसे पैसे लेने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। और यहाँ पे जितने भी ऐप है मैं सोच रहा हूँ क्यों ना सारे ऐप डाउनलोड भी कर लो। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ मेरा क्रिप्टो कितने का चल रहा है, मेरे पास अभी ज़्यादा पैसे तो नहीं पड़े, बट यहाँ एक क्रिप्टो भाई $33,000 का है, मतलब तुम समझ सकते हो 33,000 भाई साहब, अगर एक क्रिप्टो मैं बाय करूँगा तो मैं बिक जाऊँगा यार, कैसे बाय कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ठीक है अभी के लिए मैं एक्सचेंज नहीं, मेरे को अभी ना यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है यार, एक बिटकॉइन ही है जो सबसे महंगा है, बाकी तो सारे 4-4 सेंट के हैं भाई, डॉलर के भी नहीं है। तो ठीक है, और यहाँ पे एक वेब न्यू आया है जो कि मेरे हिसाब से गूगल से चल रहा है भाई। ओ भाई मतलब ये ब्राउज़र है एक तरह का, वो भी भाई हमारा रियल ब्राउज़र है जिससे कि हम एसेस कर सकते हैं अपने गेम के थ्रू। हाँ हम कुछ भी भाई देख सकते हैं इसमें गूगल में। तो चलो टोडो अभी तो हम क्या ही देख सकते हैं, गूगल तुम्हें पता है यार कुछ भी तुम सर्च मारो मिल जाएगा। तो इस गेम में रियल गूगल का क्या काम है मुझे समझ नहीं आया, पर ठीक है अभी चलने दो इसे। और हमें अभी अपने शॉप को ओपन करना है क्योंकि हमें अभी वर्कर्स, मतलब वर्कर्स नहीं यार कस्टमर्स का वेट करना है। और हमारी अभी शॉप काफ़ी ज़्यादा पुरानी ही लग रही है, मेरे को पता है यार काफ़ी ज़्यादा पुरानी और सही में थोड़ी घटिया सी लग रही है, बट ठीक है अभी थोड़ा पैसा वैसा आएगा ना तो इसको अपग्रेड करते हैं। और हाँ अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई है, अभी हमारे पास बैगर भी आएगा भाई उनका जो कैफ़े है उसे तुड़वाने के लिए, बट उसके लिए अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, पर हम कोशिश करेंगे इस वाले एपिसोड में ही उसे भी कंप्लीट कर दें और अपना थोड़ा बहुत ना जो कैफ़े है उसे भी अपग्रेड कर लें। तो ठीक है यहाँ पे मैंने सारे, और ये वॉर क्राई हैक भाई, ये क्या नवी चीज़ है मेरे को सही में नहीं पता यार, ये वॉर क्राई हैक क्या नवी चीज़ आई है, बट ठीक है अभी तो यहाँ पे भी इंस्टॉल तो नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे इसको करो अभी यार। वॉर क्राई हैक मेरे को ना तुम सब कमेंट में बताना कि वॉर क्राई हैक आई क्या चीज़ है। तो ठीक है गाइस यहाँ पे ना इस बंदे से पैसे लेते हैं हम, और यहाँ पे मैं बाहर की तरफ चलता हूँ। 2 मिनट भाई, भाई ये क्या है, ये पुलिस वाला, ठीक है यू हैव बीन फिनिश्ड वर्किंग माइनर, जो कि भाई इलीगल है मेरे हिसाब से। तो ठीक है भाई इसने फाइन मेरे हिसाब से लगा लिया है, मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, और ये भाई साहब मेरे पे फाइन लगा के जा चुके हैं, वो भी भाई पूरे $500 का। भाई सही में यार इन्होंने ना लूट मचा रखी है, $100 ले ले, $50 में ले लेना, पर भाई मेरे पास खुद के पास इतने डॉलर नहीं है और ये लगा के मेरे पे फाइन जा चुका है इस टाइम। तो ठीक है अभी कुछ भी नहीं कर सकते हम, हमें भाई ठीक है अभी ना मेरे को सोने के लिए भी जाना पड़ेगा, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ साफ सफाई भी थोड़ी सी कर देता हूँ और निकलता हूँ जल्दी से सोने के लिए। ये स्कैन को साफ करो, ठीक है हम निकलते हैं सोने के लिए। तो ठीक है गाइस इतनी देर से मैं सोते हुए आ रहा हूँ घर से अपने, और यहाँ पे भाई साहब टूट दे, ठीक है इसकी फाइट हो चुकी है, हमें 3 बेस बॉल लेके आने हैं, मतलब नहीं बेस लेके आने हैं, तो हम जल्दी से ना लेने चलते हैं, यहाँ से 3 चक लेते हैं यहाँ से, ठीक है बेस बॉल बैट है तो हम इसको अपने बैकपैक में रखते हैं। और तुम्हें पता है बैकपैक में रखने के बाद उसे दे देंगे भाई, वो जो जाने मतलब किसको मारना है उसने वो जानेगा अपना। तो
तो ये रहा वो, ठीक है वट, ठीक है मैंने तीनों के तीनों बेस बॉल बैट इसे मैंने दे दिए हैं और अपने आप ये भाई अपना काम कर लेगा। इसके बाद ही ऐसे इंटरनेट कैफे तुड़वाने का ऑफर आता है मुझे, तो ठीक है यहाँ से खाना पीना खाओ और जल्दी से चलते अपनी शॉप में यार, पर ना मेरे को पैसे कमाने पड़ेंगे, पैसों के लिए मेरे को लगेगा टाइम, तो इसलिए ना मैं ये करता हूँ अपने कस्टमर अटेंड्स करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा और उनके थ्रू कमाता हूँ पैसे। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पैसे तो बना लिए हैं और हाँ मैं आ चुका था अपने घर पे, क्योंकि भाई देखो रात हो चुकी थी तो मैं सोने के लिए आया था और यहाँ पे मेरी वाइफ ने काफ़ी कुछ खा लिया है, तो ठीक है इसके लिए मैं और कुछ मंगा देता हूँ। पैसा है भाई ऐसी बात नहीं है, इसको खुश नहीं रखेंगे तो क्या फ़ायदा उस पैसे का। तो चलो ठीक है, यहाँ पे इसका लेवल मॉरल ठीक है 40% बढ़ा है यहाँ पे, तो अभी के लिए ये इसको भाई ये क्या है मेक, ठीक है मेक चाइल्ड सेंड, भाई मैंने सेंड जॉब पे क्लिक करा और यहाँ पे ये गायब, मतलब भाई जॉब के लिए निकल के गए, ओ भाई मतलब मेरे हिसाब से ना वो जॉब करने गई है। चलो ठीक है, अब मेरे हिसाब से वो रात में आएगी, मेरे को जहाँ तक लगता है जॉब करके आना तो घर ही है भाई, तो ठीक है हम देख लेंगे। बाकी जॉब के लिए अगली निकली है तो पैसा वैसा थोड़ा बहुत कमा के लेके तो आना ही पड़ेगा। तो चलो ठीक है, अब भी निकलते हैं अपने स्टॉप मतलब यार अपने शॉप के लिए और देखते हैं, वहाँ बहुत काम बाकी है अभी और भाई ऐसा काम ना हो कि वाइफ को भी हमारी काम करना पड़े, ऐसे दिन तो नहीं आए वैसे हमारे। तो चलो ठीक है, अभी के लिए मैं इसकी शॉप से बैग बाय करता हूँ और हाँ 3000 मेरे पास कुछ पैसे हो चुके थे तो इसलिए मैंने यार बड़ा बैग बाय करा, यार छोटा ना काफ़ी ज़्यादा भाई मतलब यार चार ही सामान आते थे उसमें, बड़े वाले में 10 आएंगे। तो ठीक है अभी मैं चलता हूँ यहाँ से, अभी मेरे को देखो माइनर्स भी लेके आने, तो माइनर्स लेने चलेंगे हम। और अभी मैंने यार उससे देखा था बैगर, ठीक है वो जा रहा है बैगर, तो इससे मेरे को बात करनी है अभी बैगर ने, देखो बैगर का हमने थोड़ा बहुत काम कर दिया है और भी क्या काम है वो देख लेते हैं, पूछ लेते हैं भाई। ठीक है भाई हमारा वो कैफ़े वाला काम होने जा रहा है तुरंत, तो हमें अभी उसके टेबल के नीचे जाना पड़ेगा और उसके टेबल के नीचे हमने लगाना है बॉम्ब, मेरे हिसाब से बॉम्ब लगेगा। तो चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने एक माइनर भी बाय करा था जो कि तुम्हें पता है यार काफ़ी ज़्यादा काम का है, तो ठीक है। और हाँ माइनर बाय करने के बाद मैं इससे ही पैसे कमा पा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा पा रहा हूँ। तो ठीक है इस टाइम मेरे को ना यार अब क्या करना चाहिए, अभी थोड़े बहुत पैसे कमाए हैं और पैसे कस्टमर के थ्रू कमाऊँगा। ठीक है अभी माइनर्स देख लेते हैं हम बाय कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि देखो माइनर्स भी बाय करने जाने हैं और मेरे को जाना है अभी अपने घर मतलब यार अपनी बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे। तो चलो ठीक है यहाँ से मैं इसे बाय नहीं बाय कर पा रहा यार, वही सीन है कि स्किल्स का पंगा हो सकता है मेरे हिसाब से, और एक ये नवी चीज़ आई है एबिलिटीज़, तो मैंने थोड़ी बहुत बढ़ा लिया है एबिलिटीज़ बट हाँ टाइम तो लगेगा थोड़ा बहुत। तो चलो ठीक है अभी मेरे पास इतनी स्किल्स नहीं है कि मैं सब के सब ये बढ़ा पाऊँ, तो चलो अभी इन्हें बाद में बढ़ाएंगे अब, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी नहीं बढ़ सकता हमारा कुछ भी। और अगर हम माइनर्स खरीदते हैं बट हमें स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो माइनर्स मैं बाय नहीं कर पाता मतलब माइनर्स मैं खरीद नहीं पाऊंगा। तो चलो ठीक है अभी के लिए मैं अपनी शॉप के लिए नहीं अपनी बिल्डिंग के लिए निकलता हूँ, और तुम्हें पता है भाई अभी हमें सेकंड फ्लोर में जाना है और उसका जो कैफे है ना भाई उसे तबाह करना है। तो ठीक है मैं ऊपर के लिए जल्दी चलता हूँ सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे चलूँ नहीं यार छोड़ो, वाइफ हमारी जा चुकी है हमें अभी क्या ही करने जाना है। तो ये आ चुका हूँ उसके कैफ़े में, आराम से आके ना यहाँ पे लगा जाता हूँ। ठीक है अब चल के हम बात करते हैं बैगर से, तो यहाँ काम बन चुका है हमारा यहाँ। ठीक है अभी ये जो कैफ़े है इसका सारा का सारा ख़त्म होगा और जो हमारा कैफ़े है वो और भी ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, तो चलो इसको खोलो। बट हमारे कैफ़े में तो अभी तक दो ही टेबल है, तो भाई उसके टेबल भी सही में बढ़ाने पड़ेंगे। तो ठीक है बैगर ये आ रहा है सामने से, इससे मैं बात करता हूँ। तो ठीक है इससे भाई इतनी अच्छी बात तो है बैगर है जो कि थोड़े बहुत पैसे तो देता है यहाँ पे, और इसको 3 मिनट पड़ते हैं हॉर्स रेसिंग को, बट मैं हॉर्स रेसिंग ना भी करना नहीं चाहता। और यहाँ देखो ये भाई साहब मतलब यार ये कुछ बंदे ऐसे लगा रखे हैं ना अभी भी ठीक नहीं करा है, वो भाई पैसे हाथ में ही लेके रखते हैं देते नहीं है, सही में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है यार उन पे। तो चलो ठीक है अभी के लिए हम कर भी क्या सकते हैं, हमारा बैगर वाला काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे एक नवा घोस्ट कोई ऐप आया है, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ पुलिस कंट्रोल। तो ठीक है पुलिस कंट्रोल में शायद से कुछ भी हो सकता है, फेक रिव्यू मैंने लिए तो हैं पता नहीं मिले होंगे या नहीं मेरे को, और ऑटो रिमूवल नहीं यार ऑटो रिमूवल बोल रहा हूँ ऑटो अप्रूव, तो इससे क्या होगा मेरे हिसाब से मैंने बाय तो कर लिया है और इससे ये होगा कि जो भी कस्टमर आएगा ना उसका भाई ऑटोमेटिकली अप्रूवल उसे मिल जाएगा, तो यार ये काफ़ी अच्छी चीज़ है।
क्योंकि देखो मेरे को ना भाई हर बार ही ना अप्रूव करना पड़ता था उसको, बट अब अपने आप ही वो अप्रूव हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ठीक है, हमारे पास अभी पैसे तो पड़े हुए हैं यार, इतना इतना गरीब नहीं हुए हैं, बट हाँ गरीब हो जाएंगे हम जल्द ही, क्योंकि यार मेरे को ना बाकी का सामान भी तो खरीदना है, अपना डेस्क की भी भाई अपग्रेड करना है, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपनी शॉप को भी अपग्रेड कर ही लिया जाए। तो ठीक है, अभी ना मैं जल्दी से अपने यहाँ कैफ़े पे आता हूँ। यहाँ की रेटिंग तो बड़ी नहीं है, यहाँ देख रहे हो भाई रेटिंग कितनी चल रही है यहाँ पे। तो ठीक है, अभी मेरे को कैफ़े पे जाना था अपने, तो यहाँ से पहले शॉप ओपन करो, देखते हैं कोई कस्टमर आए, और अपनी शॉप को भी अभी ना अपग्रेड कर लेते हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ से मैं अपग्रेड करना स्टार्ट कर लेता हूँ, और मेरे हिसाब से ना यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैं ओपन कर भी सकता हूँ, कुछ चीज़ें लॉक भी पड़ी हैं, बट यहाँ पे मेरे को पहले ना अपना फ्लोर भाई वॉल्स हो गई, फ्लोर्स हो गई, सीलिंग्स इन्हें बाय करना पड़ेगा। तो इस बारी मैं बाय कौन सा करूँ, इस टाइम मेरे को बाय करना चाहिए कुछ डिफरेंट। यार पिंक तो नहीं, यार पिंक नहीं करने वाला। इस बारी हमारा पूरा का पूरा वॉल ऑरेंज रखते हैं। ठीक है, ऑरेंज वॉल हो गया। नीचे का फ्लोर हमें देखना पड़ेगा, नीचे का फ्लोर हम थोड़ा अच्छा सा रखते हैं। तो भाई ऑरेंज से मिलता जुलता ये फ्लोर अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी मैंने ये नीचे फ्लोर रखा है, ब्राउन कलर का फ्लोर है ऐसे, और नीचे यहाँ मेरे को देखना पड़ेगा भाई, सेलिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती रखनी पड़ेगी। तो ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी सेलिंग्स है, ऑरेंज कलर की भी सेलिंग है, बट ठीक है ऑरेंज ही ठीक है, रेड है मतलब अच्छी तरह एक तरह देखा जाए तो। तो ठीक है गाइस, हमारा जो काम था फ्लोर इन सब का वो हो चुका है। अभी मेरे को ना अपना सही में बोलूँ टेबल भी अपग्रेड करना है, क्योंकि ये भी नवा आया है, और टेबल को मैं नेक्स्ट लेवल तक अपग्रेड करने वाला हूँ। और यहाँ पे एक चीज और नई आई है, LED। भाई साहब LED को तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, और अभी ना एक लड़की मेरा ना पैसा लेके भाग गई, दो मिनट मेरे को ना उसको देखना पड़े, और उसने ना भाई सही में यार एक बाउंसर मेरे को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो यार जो बंदे पैसे हैं लेके चले जाते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। तो मेरा बेसबॉल भी पता नहीं कहाँ पे है, और यहाँ देखो गंद भी मचा हुआ है। तो अभी उस लड़की को मैं सही में पहुँचूँ पहुँच तो नहीं पाऊँगा उस लड़की तक, वो पैसा लेके तो सही में निकली गई होगी अभी तक। तो ठीक है, अभी यहाँ पे अप्रूवल आया है, तो ये ऑटो अप्रूवल ठीक है, हमने जो बाय करा था ऊपर की तरफ आ चुका है, और इससे अब ये होगा कि हमारे जो अप्रूवल है मतलब कोई भी हमारे PC पे बैठेगा वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। तो ठीक है, और LED मैंने ग्रीन कलर की रख दी है, मतलब पहले येलो थी बट ग्रीन काफ़ी ज़्यादा है, रात में भी चमकता है, तो इसलिए ना मैंने ग्रीन रखी है। तो ठीक है, LED तो भाई बात की बात है, LED तो चमकती है वैसे। तो ठीक है, यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है, अब मेरे को भाई पैसे कलेक्ट करने हैं, और सही बोलूँ पैसे कलेक्ट करने के बाद अपना काम क्लियर करना है। तो ठीक है, इससे पैसे वैसे लेता हूँ, अपना अभी शॉप को ना सही में और ज़्यादा अपग्रेड करना है। तो चलो ठीक है गाइज, अभी ना मैं थोड़े और पैसे इकट्ठे करता हूँ और अपनी शॉप को अपग्रेड करता हूँ, बट उससे पहले ना यहाँ मेरे को बॉडीगार्ड रखने हैं, क्लीनर हो गया, बाउंसर हो गया, रास्कोट हो गया। ठीक है, अभी मेरे को किचन वाला तो भाई किचन खरीदने पे रखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने सबके सब एम्प्लॉय रख लिए हैं, विदाउट भाई जो हमारा किचन का बंदा है उसके अलावा हमने जितने भी हमारे पास बंदे थे सबको रख लिया है। तो चलो ठीक है, अभी के लिए इतना बहुत है मेरे हिसाब से ना, अभी मेरे को उसका भाई बैगर से भी मिलना है और चल के सोने भी जाना है। तो मैं जल्दी ना अपने घर के लिए निकलता हूँ सोने के लिए, बट उससे पहले किसी पैसे तो ले लूँ भाई, पैसे लेना भूल गया था। ठीक है, $24 बने थे, बट ठीक है किसी के $100 बनते, किसी के 150, इसके 24 ही बने हैं भाई, एक टाइम पे तो $3 भी बन रहे थे। तो चलो घर के लिए निकलता हूँ, और यहाँ पे ये भाई साहब काम पॉम ब्लास्टर से बहुत ही ज़्यादा भाई नफरत है सही में यार, काफ़ी जल्दी ना हमारा जो भाई शॉप का सामान है वो ख़राब कर देते हैं यार। तो चलो ठीक है, अभी ना मेरी वाइफ से ऐसे जॉब करके आ चुकी होगी, तो जल्दी से यहाँ से मैं निकलता हूँ, यहाँ से चलते हैं अपनी छत पे, दो मिनट थर्ड फ्लोर पर निकलते हैं यहाँ पे। अभी भाई उसका भी काम तमाम करना है हमारे इस सेकंड फ्लोर वाले कंप्यूटर का, जिससे कि तुम्हें पता है कंप्यूटर का काम तमाम करने के बाद क्या ही हो सकता है। तो चलो डन, यहाँ काम हो चुका है पूरा, चलते हैं, वाइफ आ चुकी है यार हमारी। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने सैंड ऑफिस भाई से जॉब पे भेजा हुआ था, और $87 इन्हें कमाए भी हैं टोटल। तो ठीक है, 40% खुश है अगली, मतलब यार 60% ना खुश है। तो ठीक है, इसके लिए भी कुछ करेंगे हम, नवा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई इसके लिए भी। तो यहाँ टेक मनी, तो मैं इससे पैसे ले सकता हूँ। ठीक है, मैंने अपनी वाइफ से पैसे ले लिए, भाई इसके हाथ में भी कुछ छोड़ना चाहिए,
पर ठीक है, खाने पीने का रखते हैं हम। और इस टाइम भाई हम सो चुके हैं जाके, ठीक है सुबह हो चुकी है। तो चलो अब शॉप के लिए, भाई शॉप से पहले तो वो हमारी वाइफ भी यार जॉब के लिए निकल जाती है। तो ठीक है अभी हम शॉप के लिए निकलते हैं अपने। और शॉप से निकलने से पहले मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक टेबल और बाय कर लिया जाए। तो चलो ठीक है अभी ना मैं जल्दी से नीचे की तरफ निकलता हूँ, एक टेबल बाय करेंगे वीआर मोड का। और टेबल बाय करने के बाद हम चलते हैं अपनी शॉप में लगाएंगे, क्योंकि यार थोड़ा बहुत ना सामान बढ़ाना पड़ेगा। और मैं ये कोशिश करूँगा अगले वाले एपिसोड में हम कुछ बड़ा करें, मतलब कि अपने शॉप को पूरा अपग्रेड करें और एक एक जगह पर अपना काम कम्प्लीट करें। मैं सेकेंड हैंड शॉप में चलता हूँ, अभी मेरे पास थोड़े बहुत पैसे पड़े हुए हैं अभी यहाँ पे। तो ठीक है यहाँ से वीआर मोड, ठीक है यार अच्छा खासा वीआर मोड है, इसे मैं बाय कर लेता हूँ। दो हमें चाहिए वीआर कंट्रोलर्स, ठीक है तो ये हो चुके हैं। कीबोर्ड इनकी भाई इनकी किसी की जरूरत नहीं है। टेबल चाहिए मुझे, एक एक सीपीयू चाहिए, और सीपीयू उसके पास अच्छा खासा है नहीं अभी, तो सीपीयू मैं इससे बाय करने वाला नहीं हूँ। तो ठीक है यहाँ पे ये गेमिंग कंसोल्स बाद में खरीदूँगा यार, अभी छोड़ो बाद में गेमिंग कंसोल्स खरीद लेंगे। जॉयस्टिक्स काफ़ी कुछ है इसके पास, तो ठीक है अभी। और तुम मेरे को ना कमेंट करके बता रहा, मैं जो ये सेकंड हैंड शॉप से सामान खरीदता हूँ ये मेरे लिए सही है या कि मेरे को नहीं खरीदना चाहिए सेकंड हैंड शॉप से सामान। तो ठीक है अभी ना मैंने काफ़ी सारा सामान, मतलब यार तीनों सामान ले लिया है, बस मेरे को एक टेबल चाहिए, एक सीपीयू चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने सामान के लिए एसी भी लगाऊं। और यहाँ पे भाई देखो यहाँ पे, ठीक है इसको $1500 देने हैं और उसके बाद बूम बाम होने वाला है भाई उसके साथ सेकंड फ्लोर पे। तो चलो ठीक है यहाँ पे, ओ भाई मैंने यहाँ सिक्योरिटी भी लगा के गया हूँ। और तुम्हें पता है हमने इतना पैसा खर्चा बाउंसर सिक्योरिटी पे, और ये ना देखो देख ही नहीं रहे भाई कौन सा बंदा कहाँ पे आ रहा है। तो ठीक है अपना काम बन चुका है, लड़की से पैसे लो, $5 बने देख रहे हो भाई इसके, मतलब यार किसी के ज़्यादा बनते हैं किसी के कम बनते हैं, तो कर भी क्या सकते हैं। अभी ना मैं जल्दी से ऑर्डर करता हूँ सीपीयू टेबल, जिससे कि ये होगा भाई जो हमारा कंट्रोलर वाला लगाने वाले हैं ना हम, जो वीआर कंट्रोलर, वो हमारा पूरा बन जाएगा सेटअप और उससे भी थोड़ा बहुत हमें पैसा मिल जाएगा। ठीक है गाइज यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट, मतलब यार जितना भी ऑर्डर था मैंने मंगा लिया है। और ये देखो लड़की पैसा देके नहीं जा रही, तो ठीक है चोर भी अलग खड़ा होता है। और बैगर से भी मेरे को चल के बात करनी है यहाँ पे, तो मैं बैगर से जल्दी से बात करता हूँ। ठीक है भाई इसके पैसे दे दिए मैंने, और भाई देखो बूम बाम भी हो चुका है। तो मैं बोल रहा था ना मतलब थोड़े से पैसे दो, और जो हमारा कॉम्पिटिटर था वो भी मर चुका है। और यहाँ पे ठीक है अभी के लिए मैं थोड़ा बहुत खाना खाता हूँ, और जो हमारा ऑर्डर था वो लेके आ चुका है हमारा बंदा। तो यहाँ पे स्पीड भी थोड़ा यार थोड़ा ना दो दो मेरे को बढ़ा ही लेना चाहिए था, एक ही बार में मैंने सब बढ़ाना शुरू कर दिया। बट ठीक है अभी धीरे धीरे करके ना सब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ है नहीं क्या भाई, ये 35 का है, 31 स्किल्स है मेरे पास अभी, तो अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए था। बट ठीक है अभी बाद में देख लूँगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा तब। तो यहाँ से मेरा काम तो हो चुका है, तो ठीक है अभी ना मेरे को सीपीयू एसी और मैंने जो भी मंगाया अपना, तो टेबल उठाओ यहाँ से, टेबल को लगाओ। मैंने ऐसे सीपीयू मंगाना भूल गया था, तो सीपीयू भी साथ में मंगा लूँगा। अभी के लिए मैं इस टेबल को लगाता हूँ, और हाँ अपना वीआर मोड जल्दी से तैयार कर लेते हैं। तो ठीक है गाइस यहाँ पे हमारा वीआर मोड हो चुका है रेडी। अभी दो मिनट मैं कंप्यूटर पे ना अपने पीसी पे एक्सपेंसिव मोड पे लगा देता हूँ। कुछ सामान है जो भी हमारे पास, दो कंप्यूटर होंगे ऐसे एक्सपेंसिव पे, एक तो भाई सस्ते वाला ही है। तो चलो ठीक है यहाँ पे हमारा ऑर्डर में नहीं कंप्यूटर में होगा मेरे हिसाब से रहा। ठीक है यहाँ पे देखो ये तो नहीं है, बट ये एक्सपेंसिव पे है, ये एक्सपेंसिव पे है। ठीक है इससे हमारा क्या होगा कि हम काफ़ी सारे पैसे कमा पाएंगे। तो चलो ठीक है गाइज यहाँ पे हमारे पास पैसे भी होने स्टार्ट हो चुके हैं, $115 भाई बंदा दे के गया है। तो ठीक है अपना काम रेडी रखते हैं, और थोड़ा बहुत भाई ये कैसे खड़ा है भाई, सही में हंसी आती है यार इसे देख के। तो ठीक है अपना काम रेडी करते हैं, मतलब अपना काम जारी रखते हैं और थोड़ा बहुत पैसे कमाते हैं, जिससे कि अपना जो सेटअप है उसे अपग्रेड कर पाएँ। ठीक है गाइस यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पैसा कमा लिया है, मतलब इतना तो नहीं, हाँ रो धो के जितना भी कमाया है ठीक है अभी के लिए। बट यहाँ पे मेरे को अब अपग्रेड करना अपना सिस्टम। दो मिनट, क्रिप्टो से भी मैं पैसा वैसा निकाल लूँ क्या पहले? तो ठीक है मैं क्रिप्टो से थोड़ा बहुत पैसा निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास देखो पैसा इतना तो नहीं है, पर धीरे धीरे करके अपग्रेड करना पड़ेगा। और हाँ तुम्हें मैं बता दूँ, मैंने अपग्रेड करने के लिए देखो यार इतना पैसा नहीं था, तो मैंने क्या करा वीडियो में कट लगा लगा के अपग्रेड करा है। मतलब पहले अपना एक सिस्टम अपग्रेड करा, जैसे मॉनिटर लिया, फिर क्या कहते हैं मैंने पैसे कमाए, थोड़े बहुत पैसे कमाने गया, फिर अपने कंप्यूटर में कट लगाया, फिर मतलब यार वीडियो में कट लगाया, फिर वहाँ से। तो तुम समझ जाओगे वैसे, पैसा देख के कहीं तुम सोचो भाई चिट चाट लगाया इसने।
तो ठीक है यहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ अपनी जो, ठीक है यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है बट मैं क्या ही खरीद सकता हूँ तुम्हें खुद पता है, $600 का है और मेरे पास $600 के अलावा बचेगा नहीं। तो ठीक है यहाँ पे कष्ट लगा लगा के मैंने अपना जो अपग्रेड है सेटअप का वो करा है। तो ठीक है यहाँ पे ये भी अपग्रेड हो चुका है और मेरे पास देखो पैसा नहीं है, पैसा वो जैसे क्या कहते हैं पैसा बढ़ता है ना, पैसा बढ़ रहा है घट रहा है, तो मैं पैसा कमाने जा रहा हूँ तो इसमें कट लगाया है। ठीक है तो भाई कुछ उल्टा सीधा ना समझ दे रहा तुम सब। तो ठीक है यहाँ पे मैं पहले ना अपना पूरा का पूरा सेटअप अपग्रेड कर लेता हूँ। तो टर्न यहाँ पे पहले इसे अपग्रेड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है ये भी अपग्रेड हो चुका है। तो डन, यहाँ पे सब कुछ अपग्रेड होने के बाद हमारा सेटअप अब देखने लायक हो चुका है पूरा का पूरा, जो हमारा खुद का सेटअप है। और क्या होपो आ चुका है भाई, दो मिनट, होपो कौन सा टास्क लेके आया, हेलो फ्रेंड है, ठीक है इसको हमें ऐसे एक बंदे को मारना है जिसका ग्रीन फेस है। ठीक है तो हम भाई इसके लिए बंदे को मारेंगे, ऐसी बात नहीं है कि बंदे को नहीं मारेंगे, बाकी ठीक है यहाँ पे बंदे बंदे आने स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे पास कोई बेसबॉल नहीं है तो अभी मेरे को ना एक बेसबॉल वाला बैट लेना पड़ेगा और उस बंदे को चलना है मारने के लिए क्योंकि भाई ने बोला है, होबो भाई ने। तो ठीक है हम जल्दी से चलते हैं अपनी सेकंड हैंड शॉप पे जो कि हमारा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है। तो ठीक है फ्रेंड ही बन चुका है एक तरह से देखा जाए, पर भाई डिस्काउंट नहीं देता यार, सबसे गंदी बात है इसकी। तो ठीक है बाकी ये कुछ लेके नहीं आया अभी जो कि हमें सस्ता पड़ जाता थोड़ा। अभी मैं ग्रीन फेस वाला बंदा देख रहा हूँ जो कि मिलेगा और मेरे हिसाब से तुम्हें पता लग गया होगा ग्रीन फेस में घूमता कौन है, अगर पता चल गया होगा ना तो यही कमेंट करके बता देना भाई, पता लगे मिल जाए तब बताओ। तो ठीक है गाइस यहाँ पे यहाँ भाई ये मेरी दुकान यार, अपने कस्टमर को ही मारना पड़ेगा मेरे को, दो मिनट भाई साहब मैंने अपने कस्टमर के ही चिपका दिया यहाँ पे। तो ठीक है जो भी हुआ पर अभी क्या ही कर सकते हम, तो चलो अभी के लिए मैं जल्दी से चलता हूँ अपनी कहाँ की भाई, कहाँ बंदा कहाँ पे है ये, तो ये रहा होबो, तो होबो से मैं बात करता हूँ दो मिनट रुको। तो ठीक है होबो भाई साहब तुम्हारा बंदा मैं मार के आ रहा हूँ, ठीक है ये बंदा खुश हो गया, कुछ दिया नहीं यार, ठीक है बैगर तो पैसे भी देता था पर इसने तो सच्ची में हमें कुछ भी नहीं दिया। दो मिनट, ये बॉम्ब स्क्वाड वाला बंदा देख रहे हो कैसे भैया तन के खड़ा है हमारे आगे। तो ठीक है अभी के लिए हम चलते हैं अपनी शॉप में और यहाँ मैं इससे पैसे लेता हूँ। VR मोड भी चल चुका है, दो कंप्यूटर चल रहे हैं हमारे ऑलरेडी, तो अभी के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। AC वेसी भी लगा दिया था मैंने, ये रहा मेरा वो सेटअप नवे वाला जो कि हमने लगाया है, क्योंकि तुम्हें देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, काफ़ी मैंने पूरा का पूरा अपग्रेड कर दिया है। तो ठीक है गाइस ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप आप सबको ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो पता ना भाई क्या करना है, वीडियो पे कमेंट करके बताओ एपिसोड कैसा लगा और कोई भी सजेशन है वो बताओ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स में शेयर्स कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।